आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करके संगीत के मुतालिक कुछ और मालूमात हासिल की जाए। अगर ये वादे फरमा दिया जाए कि किस जनाब का फरमाना है, मैं अर्ज करता हूँ खान साहब, वो ये कि आपने तो अभी तक काफ़ी कलाकारों को सुना होगा और बड़े बड़े कलाकारों को सुना होगा, जाहिर है कि उनमें से चंद एक से तो आप ज़रूर मुतासर हुए होंगे। हाँ, अगर कुछ उनके बारे में, यानी जिनसे आप मुतासर हुए कलाकारों से, उनके गाने से या बजाने से, उनके बारे में अगर आप कुछ कह सकें या हमें बता सकें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, चार हजरात हैं जी, लेकिन ये भी ख्याल फरमाया जाए जी, क्योंकि ध्रुपति बाबा जनाब जी बिल्कुल फरमाया है, तो इस वजह से मैं आपसे अर्ज करूँ, उस जमाने में जबकि मैंने अपनी तालीमात हासिल करने के बाद थोड़ी सी फरागत हासिल की जी, तभी जाकर के दूसरे हजरात को सुनने का मौका मिला जी, बिल्कुल बिल्कुल, वरना पहले तो मैं अपने मामलात में मुनहमिक रहा, यानी तालीमात में मुनहमिक रहा जी, फिर बाद में मैंने चार हजरात को सुना जी, दो तो उनमें से बीनकार हैं जी, और दो दो हजार ध्रुपति जी, एक तो चंदन चौबे जी, अच्छा एक चंदन चौबे जी, एक चंदन चौबे जी का तो नाम बहुत सुना है, अच्छा इनको आपने सुना? हाँ जी हाँ, और करामत खान साहब, अच्छा ये ध्रुपदी है जी, हाँ ये करामत खान साहब, अच्छा ये तो ध्रुपदी थे जी हाँ, तो करामत खान साहब को मैंने जयपुर में सुना जी, और चंदन चौबे जी को मैं खुद गया था उनके पास, इसमें मथुरा जी जाकर उनको सुना, तो वो चीज वो ध्रुपद उन्होंने सुनाया आपको? यहाँ धमार सुना है, तो वो तो याद होगा क्या आपको? यहाँ दोनों हजरात की धमारें याद हैं। अच्छा, और पहले तो बीनकारों का भी फिर आप जिक्र करेंगे, पहले तो इनका जिक्र करें आप, करामत खान साहब का, करामत खान साहब का जिक्र, उनको कहाँ सुना आप? मैंने जयपुर में सुना, जयपुर में सुना, और शाम का झुटपुटा सा वक्त था जी, शाम के वक्त गए थे आप? शाम के वक्त जी गया था, उस वक्त झुटपुटा सा वक्त था जी, उस वक्त उन्होंने श्री राग में जी सुनाया जी, हुजूर वाला आज तक मुझे याद है, क्या कहें, देखिए मैं पेश करूँ अगर जनाब फरमाए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्फाज मुलायजा फरमाइए, मदन तो गुण की कान बाक बानी रही बिकाए, मदन तो गुण की कान बाक बानी रही बिकाए, ये श्री राग की धमार है जी, तो कैसे शुरू होते हैं, मदन तो गुण इसकी उपज सुनाइए जी, बजाते रहो, मरने तो मरने तो गुण के कान मरन मरने तो गुण मरने गुण के कान बाग बाग बाग।
अच्छा ये करामत खान साहब, ये करामत खान साहब ने मुझे सुनाई जयपुर में। जयपुर में अच्छा, और उनसे मैंने सीख भी ली जी। हाँ तो और इसके बाद फिर आप अभी क्या फरमाते हैं, आप मथुरा तशरीफ ले गए थे? जी हाँ, मथुरा तशरीफ। तो चंदन चौबे जी को आप सुनने गए? चंदन चौबे जी को उनसे उनसे आपने क्या? बेहद रंगीन आदमी थे। वाह वाह जी। और उन्होंने, क्योंकि मैं होली के जमाने में वहाँ गया था जी, इस बुनियाद पे उन्होंने एक होली मुझे जी सुनाई जी। और भाई वो भी मुझे आज तक याद ही है। उसके अल्फाज हैं जी हाँ, सांवरे मोसे कीनी ठगाई, सांवरे मोसे कीनी ठगाई। हाँ भैया जरा धमार बजाना। सांवरे मोसे मोसे कीने नड ठगा। गाने से तो राग की तस्वीर उतर आती होगी, आपने तो ऐसा सुना। मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, वो हज़रात कैसे गाते होंगे जिस वक्त कि मैंने आपको शायद महसूस कर सका हूँ। क्या कहने खान साहब। अच्छा आपने खान साहब जिक्र फरमाया था ना अभी बीनकारों का, दो बीनकार थे जिनको आपने सुना था। हाँ, मुशर्रफ खान साहब और मुराद खान साहब। हाँ ये मुशर्रफ खान साहब ये सादिक अली खान के वालिद जी जी। अच्छा इनके वालिद अलवर में मैंने इनको सुना जी। और साहब हुजूर वाला आज तक उनका मुझे हिंडौल याद है। वाह वाह वाह, कि हिंडौल उन्होंने मुझे सुनाया था जी। और अगर आप फरमाएं तो मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर वो सुनने के लिए हम लोग। लेकिन मुलाहिज़ा फरमाइए कि बिल्कुल तार की आवाज जो है जी। No, 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 no.
वाह वाह, तो ये मुशर्रफ खान साहब ने सुनाया हिंडोल। हाँ जी हाँ, ज्यादा वक्त होता तो शायद मैं ज्यादा देर तक पेश करता रहता इस मामले को, लेकिन अच्छा खान साहब वो मुराद खान साहब ने कौन सा राग गाया था? दरबारी सुनी। अच्छा, ये कहाँ सुनी आपने? मैंने ये इंदौर में सुनी। इंदौर में? अच्छा, तो वो दरबारी बजा। जी हाँ, दरबारी बजा जी। देखिए तो होता तो मैं जनाब की खिदमत में कुछ ज्यादा देर तक पेश करता रहता। इससे पता चलता है कि वो किस तरह बजाते थे, उनका क्या तरीका था, उनके मिजराबों क्या ढंग थे, और सुरों के लगाव बंधाव की खूबियां सब पता चल जाती हैं इससे। और खान साहब, संगीत के लिए आपके खानदान ने क्या कुछ कम किया है? आपके खानदान ने भी तो बहुत कुछ किया है, इस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता सकें। जी हुजूर वाला, मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं 4000 से जो कि मेरे खानदान के बुजुर्ग थे। जी हाँ, यानी आपने किससे तालीम हासिल की? और इन 4000 से मैंने तालीम हासिल की, और पिताजी मेरे वालिद जी अल्लाह बंदे खान साहब जी, उनके बड़े भाई जो मेरे ताया हुए जी जाकिरुद्दीन खान साहब जी, और मेरे भाई नसीरुद्दीन खान साहब जी, और जियाउद्दीन खान साहब। अच्छा, ये मेरे तायादाद भाई थे। अच्छा, इन हजरात की मैं तारीफ क्या बयान करूं, लेकिन नमूनतन मैं जरूर जाहिर कर सकूंगा इन हजरात को। क्या मुलाहिज़ा फरमाइए, कभी जयदेव बहुत कोई 800 वर्ष पहले के बुजुर्ग हैं, कभी जयदेव। अच्छा, तो ये जो आप सुना रहे हैं, हाँ, ये किससे? ये ध्रुपद है तुम्हारे? ये ध्रुपद है। किस रात का? ये सोहनी का है। अच्छा, सोहनी। हाँ जी, निंदति चंदन मिंदु किरण मनु विंदति खेद मधीरम। अच्छा, ये के किस सी ये है? ये संस्कृत है, और संस्कृत में जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं कवि जयदेव जी, जो कि आज से 800 या 1000 वर्ष के दरमियान जी बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक अष्टपदी लिखी है जी, उसी में से ये एक अष्टपदी है जो कि नसीरुद्दीन भैया गाया करते थे। आपके भाई साहब? नहीं, मेरे भाई साहब। तो आप जरा सुनाए। जी हाँ, मैं आज करो भाई रूपक लगाओ। Yeah.
आपने इनसे सीखी अपने भाई साहब नसीरुद्दीन खान से? नसीरुद्दीन भैया से सीखी। अच्छा, अब ये आपने कहा था ना और किसी आपने? हाँ जी, मेरे वालिद अल्लाह बंदे खान साहब से। अच्छा, उनके गाय की कतरी का जरा मुलाहिजा फरमाइए भाई। चौटाला लगाना ये भी हिंडौल का ही जुर्पत है। अच्छा जी, ना ब्रह्म को आधा रे नाद ब्रह्म को आधा रे नाद ब्रह्म को आधार ले ते चर लागे जावे तू भी आधार लीनो ना ब्रह्म वो आधार ना। अरे, ये तो खान साहब हिंडोल का दुर्पत है। अच्छा, आपने अपने वाले साहब से सीखा? जी हाँ। और एक अभी आपने उनका नाम लिया था ना अपने? हाँ, मेरे मेरे ताई ताऊ जाकिरुद्दीन खान साहब। जाकिरुद्दीन साहब, जी हाँ। उनका उनसे क्या सीखा था? ये माता भवानी जी का एक दुर्पद है जी। माता जी हाँ जी, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं आपको इस वक्त आपके जी। मैं तो जनाब की खिदमत में पेश करूंगा ही। जी हाँ, माता भवानी। जी हाँ, ये खान साहब आपने कैसे सीखा? ये जाकिरुद्दीन खान साहब थे जो मेरे ताया थे जी, वो उनसे मैंने हासिल किया। ओ माता भवानी आवत कण गौबरन तेरे त्रिशूल सिंह अजवारी माता भवानी झूम क्या कहने खान साहब, क्या कहने हैं। तो तबीयत बस खुश हो गई है सुन के। जनाब की बंदा परवरी है। मैंने जो कुछ भी। अच्छा खान साहब, आपके यहाँ तो अच्छी थी बंदिशों में, तो कोई कमी नहीं होगी?
और अगर तकलीफ ना हो तो दो एक अप्रचलित यानी मेरा मतलब है गैर मशहूर अगर चीज़ें या रागों की बंदिश अगर आप सुना सकें ये, तो ये शायरी के कसम में से रागों के कसम में से दोनों ही कसम में से आपको तो दोनों चीज़ें याद होंगी जी हाँ लेकिन राग या बंदिशें अगर कोई अप्रचलित हैं गैर मशहूर हैं जो नहीं गाए जाते हैं मगर आपके यहाँ तो सभी कुछ है भंडार है आपके यहाँ जी हाँ ये तो जनाब की बंदा परवरी दर्रा नवाजी है लेकिन तो तकलीफ लेकिन मैं एक कजर पर सुनाऊंगा जी जी इस वक्त देखिए थोड़ी देर के बाद ये पखाव जी चले गए हैं लेकिन कोई परवाह नहीं मैं आपको सुनाता हूँ अब ये गायकी भी मुश्किल है जी। और राग भी जरा बचा करके इसको इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल सही फरमाया ये राग आपने कौन क्या फरमाया था खासा किस राग मेघ मेघ हाँ मेघ कठोर पद है और हुजूर वाला खासा ये देखिए एक एक गुजरी का ध्रुपद मैं आपसे अर्ज करता हूँ गुजरी का ध्रुपद जी देखिए भागूं बर अंबर जरूल धरनी डे मेडे भागूं बर अंबर जरूल धरनी डे मेडे धमरू बा जरगात पंचानन आनंद गायकी के ध्रुपद हैं जो कि जनाब की खिदमत में मैंने पेश किए हैं। अच्छा खासाब ये डागर जो है डागर शब्द जो है लफ्ज जो है इसके बारे में ये बाणियों में से कह लिया जाती है डागर बाणियों में जी ये मूजिद का नाम है जी बाबा हरिदास डागुर थे जी इस वजह से और ये बाणी जो ईजाद हुई सिर्फ तानसेन जी को सिखलाने के बाद थी तानसेन जी जो पहले जो गुटबी गाते थे वो बहुत अच्छे जरूर थे लेकिन जब बाबा हरिदास डागुर के वो शिष्य हुए तब उन्होंने डागरबानी ईजाद की और अपने शिष्य तानसेन जी को सिखलाई ये हमारे यहाँ की ही रवायत में से है एक रवायत है जो कि जनाब की खिदमत में मैंने पेश की। अच्छा खान साहब एक चीज़ मैं और अर्ज़ करूँगा बाजा ताज्जुब होता है कि आपने इतना गाना सीखा और रियाज किया उसके साथ साथ ही आपने संस्कृत कैसे पढ़ ली और कैसे सीखी। अरे हुजूर वाला ये तो शुरू से ही हमारे यहाँ तालीम होती है ये अच्छा। हमारे यहाँ की परंपरा है जी क्योंकि बाबा हरिदास डागुर के नवासों में या पोतों में बाबा कालिदास डागुर थे जिनकी परम्परा से मैं मुतल्लिक हूँ जी। बाबा कालिदास डागुर जो थे वो बहुत अपने जमाने के लेकिन वो सन्यासी लोगों में से थे और उन्होंने ये तमाम किस्से बयान किए कि ये ईजादात किस तरीके से हुई बहुत सी बानियाँ हैं बाज़े लोग छह बानियाँ समझते हैं बाज़े लोग चार बानियाँ कहते हैं लेकिन असल मकसद जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल जी हाँ यही है। अच्छा और संस्कृत की जो शिक्षा है आपको शुरू से बचपन से दी जाती है बचपन से दी जाती है क्योंकि बाबा कालिदास की परंपरा के हम ताल्लुक रखने वाले हैं इस वजह से उनके यहाँ की परंपरा यह है कि शुरू से ही संस्कृत का बोध होना चाहिए संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा और भी ताज्जुब हुआ कि संस्कृत के साथ साथ गाने के साथ साथ आपकी अंग्रेजी तालीम भी काफी अच्छी है ये भी आप सीखते रहे जनाब जीवन में बहुत से काम कर डाले
जनाब का हुस्न जन है ये तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, और आप साथ साथ ये भी फरमा लें कि मैं लिटरेरी भी हूँ, लेकिन हाँ तो कुछ मैंने ये पढ़ भी लिया है कुछ प्रैक्टिकल के साथ साथ लिटरेरी होना भी तो, और क्या अर्ज किया जाए संस्कृत के वास्ते जो है मेरे गुरु जो आप जिंदा हैं गोविंद शास्त्री जो इंदौर में हैं और उनके पिताजी से मैंने हासिल किया, उनका नाम श्रीधर शास्त्री, और उन्होंने खास दिल से मुझे बतलाया और पहला श्लोक जो है उन्होंने जो मुझे बतलाया वो ये था, पंडित राज बड़े मशहूर शायर हुए पंडित राज त्रिशूली, तो वो फरमाते हैं कमलिनी मलिनी करो सुचेता, कमलिनी मलिनी करो सुचेता किमिति वकैरव हेलिथान अभिज्ञै परिणत मकरंद मार्मिकास्ते जगत भवंत चिरायुषो मिलिंदा। इसके मायने अर्ज करूं कुछ थोड़े से, कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल दूं, मैंने कहे हे कमलिनी मलिनी करो सुचेता, हे कमलिनी तू अपने मन में मलिन है क्यों, क्यों ये सफेद बुगले तेरे पास नहीं आते इस वजह से तू मलिन है। अरे परिणत मकरंद मार्मिकास्ते जो तेरा मर्म जानने वाला काला भौंरा है वो तो तेरे नजदीक है भाई, चिरायुषो मिलिंदा उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र दराज हो, इसका तसव्वुर रख भाई। ये पहला श्लोक जो है मुझे पंडित शास्त्री ने मुझे बतलाया और उसको मैंने बहुत मेहनत से मैंने सीखा। इसमें बड़ी मेहनत और बड़ी रियाज और बड़ी इसकी जरूरत, बहुत मेहनत, क्योंकि गैर जबान से ताल्लुक, तो अब मैं ऐसी संस्कृत तो नहीं बोल सकता कि मालूम हो कि मैं फ्रांस से आया हुआ हूँ और यहाँ संस्कृत बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है ना, ये मालूम होना चाहिए मेरी मातृभाषा है। इसी तरीके से मैंने इसको हासिल किया और अब भी इसी कोशिश में हूँ। क्या कहना है साहब, अब आप और क्या सीखेगा, आप इतना सीखे हुए हैं, बल्कि औरों को सिखाइए, उनको मौका दीजिए को आपको सुने और आपसे कुछ हासिल करें। और अच्छा खान साहब, अगर कुछ गुस्ताखी ना हो तो आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? जूरे वाला सन 5 की पैदाइश है नियाजमन, अब सन 62 है खुद ही। अच्छा सन 5 में आप? अच्छा 5 में मैं उदयपुर में पैदा हुआ जी। और हुजूर वाला सबसे ज्यादा जो है मामला ये है कि ध्रुपद की परंपरा को सबने छोड़ दिया जी, बिल्कुल सुना था। अब मेरे बच्चे जैसे फहीमुद्दीन डागर, जैसे मईनुद्दीन डागर, जैसे अमीनुद्दीन डागर यही गाते हैं और सबने छोड़ दिया, आया ख्याल में? तो ये दोनों मेरे भतीजे हैं, एक मेरा बच्चा है, यही गाते हैं। अब मैं भी जनाब की खिदमत में कुछ ना कुछ पेश कर ही देता हूँ जनाब के करम। खान साहब आपको बहुत तकलीफ दी सवेरे सवेरे आके, आपका वक्त ज़ाय किया, मगर देखिए हमको बहुत इससे लाभ हुआ और इससे बहुत हमारे मालूमात भी बढ़ी जनाब की बंदा परवरी, क्या अर्ज करूँ। अच्छा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इश्तियाक था कि और थोड़ी देर और भी बैठते, लेकिन खैर अच्छा अब मेरी आप इजाज़त दें। आदाब 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 आदाब।